नमस्कार दोस्तों, मैं हूं रोहित और आप देख रहे हैं बिग्रो मिक्सी। तो दोस्तों, आज का थंबनेल तो आप लोगों ने देख ही लिया होगा। मैं आप लोगों को एक लैपटॉप लेके आया हूं, वो आप लोगों से पूछना है मेरे को कि ये लैपटॉप कैसा है, तो इसी के बारे में आज वीडियो बनाऊंगा। ये हमारा एसुस का टफ गेमिंग है लैपटॉप, जिसका मॉडल नंबर है हमारा FX566LH। इसका ये मॉडल नंबर है। तो अभी इसको ओपन करके भी दिखाएंगे इसको कि एक अंदर से कैसा है, पैकिंग कैसी होती है। तो उससे पहले मैं आप लोगों से बात कर लेता हूँ। वैसे तो मेरे पास दो लैपटॉप पड़े हुए हैं, लेकिन उनमें मेरे को पता नहीं क्यों मज़ा नहीं आता था, किस लिए मज़ा नहीं आता था, और उनमें दिल भी नहीं करता था। मैं आज तक की मेरी जितनी भी वीडियोज़ हैं, मैक्सिमम क्या 99% वीडियोज़ मेरी फ़ोन से बनाई हुई है, काइन मास्टर से। तो इसीलिए काफ़ी सारे भाई बोल रहे थे कि अपनी क्वालिटी को थोड़ा सा इम्प्रूव करो, और इसीलिए मैं ये लैपटॉप जो मेरे को समझ में आया, जो काफ़ी सारे भाइयों ने मेरे को बताया कि ये वाला ले लो, जो आपकी एडिटिंग के लिए बेस्ट लैपटॉप है, अगर जो आप वीडियो एडिटिंग करना चाहते हो या गेमिंग वगैरह के लिए, तो ये लैपटॉप बेस्ट है। तो इसकी जो स्पेसिफिकेशन है वो भी मैं आप लोगों को बता देता हूँ। 512 की इसके अंदर SSD है, और 16 GB इसके अंदर रैम है, और 4 GB का इसके अंदर ग्राफिक कार्ड NVIDIA का है। तो बाकी तो और कुछ इतना खास होता नहीं है। तो अभी इसकी एक बार हम अनबॉक्सिंग करके देख लेते हैं कि ये कैसा दिखता है, और कैसा ये किस तरह की पैकिंग में आता है, और दिखने में ये कैसा होता है। तो चलिए एक बार इसकी अनबॉक्सिंग करके देख लेते हैं। तो ये कुछ इस टाइप की हमारी, ये हमारा बॉक्स होता है। तो इसको हम ओपन करते हैं एक बार। ये हैंडल आता है बॉक्स के साथ, ये पकड़ने का हमारा, कि अगर जो आपको ऐसे लेके जाना है तो आप इसको बॉक्स को लेके जा सकते हो, जहाँ पे हमारी एसुस की ब्रांडिंग है, जिस हैंडल पे यहाँ पे ब्रांडिंग है। तो अभी इसको ओपन करके देखते हैं एक बार। तो ये कुछ इस टाइप का ओपन होता है। यहाँ पे इन्होंने सपोर्ट दी है किसी टाइप की कार्डबोर्ड की यहाँ पे, कि ताकि ये जो पीछे ना जाए इसका, और पैकिंग भी बहुत अच्छी है इसकी। यहाँ पे हमें ये यूज़र मैनुअल, यूज़र गाइड जो है हमारी, ये है हमारी, और ये स्टिकर है हमारे, और यहाँ पे हमें ये कुछ एप्लीकेशन डाउनलोड करने के लिए इन्होंने दिए हुए हैं फ़ोन से, अगर जो आप अपने लैपटॉप में कुछ शेयर करना चाहते हो वायरलेस तरीके से, तो ये आपको एप्लीकेशन डाउनलोड करनी होती है तो आप कर सकते हो। तो ये कुछ यहाँ पे रखे हुए, वैसे मैंने खोल लिया था एक बार, फिर ये वैसे दिखा रहा हूँ मैं आप लोगों को। ये कुछ इस टाइप से यहाँ पे लगे हुए थे, ये इसके ऊपर नहीं थे, ये यहाँ पे लगे हुए थे। तो एक बार मैं इनको साइड में रख देता हूँ। ये कुछ इस तरीके की पैकिंग में हमारा लैपटॉप आता है, और ये कुछ इस टाइप का है हमारा लैपटॉप, आप लोगों के सामने है, कुछ इस टाइप का ये हमें दिखाई देता है। और इधर इन्होंने यहाँ पे टफ़ गेमिंग लिखा हुआ है कुछ। यहाँ पे हमारे ये वाले जो हैं, ये इंडिकेटर हैं हमारे, जो लाइट वगैरह होती है चार्जिंग वगैरह की, तो ये सब यहाँ पे है। और पीछे की तरफ इन्होंने, जो पीछे की तरफ है, यहाँ पे इन्होंने दो फ़ैन, कूलिंग फ़ैन दिए हैं, जो एक कार की हेडलैम्प की तरह दिखाई देते हैं हमें, यहाँ पे और इस तरफ से जो है हमारा, इस तरफ से भी इन्होंने यहाँ पे हेडफोन के लिए दिया है, सी टाइप दी हुई है इधर। इधर इन्होंने दो USB दी हैं, इधर HDMI दी है, ये हमारा इंटरनेट के लिए, ये हमारा चार्जिंग पोर्ट है। और जो हमारा दूसरी साइड है, दूसरी साइड जो है, यहाँ पे हमें एक डाटा केबल के लिए दिया हुआ है USB पोर्ट, ठीक है। और बाकी तो इसके अंदर कोई तामझाम फालतू का नहीं है, हमें कार्ड लगाने के लिए भी कोई जगह नहीं दी, एक्सटर्नल कोई भी चीज़ इन्होंने यहाँ पे नहीं दी, जो कि मैं चाहता था कि हो, जहाँ पे मेरे को कार्ड वगैरह लगाना पड़े तो वो अच्छे तरीके से मैं कर सकूँ। अब इसके लिए स्पेशली मेरे को कार्ड रीडर लेना पड़ेगा, फिर उसको लगा के उसमें डालना पड़ेगा। तो ये कुछ इस टाइप का दिखाई देता है हमें। यहाँ पे इन्होंने अपनी कंपनी, अब ये मुझे पता नहीं है कंपनी का लोगो है या किसी गेम का लोगो या किस टाइप से है, इन्होंने अपने नाम को कहीं पे ब्रांड नहीं किया, मतलब ब्रांडिंग इन्होंने बिल्कुल भी नहीं की कहीं पे फालतू की, बस यहाँ पे इन्होंने की हुई है नीचे की तरफ। ये नीचे की साइड से दिखाई दे रहा है, यहाँ से स्पीकर है ये भी, और ये साइड से भी स्पीकर की इन्होंने दिए हुए हैं हमारे। तो अब एक बार इसको ओपन करके देख लेते हैं। ये कुछ इस टाइप का हमें दिखाई देता है। तो ये हमारा लैपटॉप है, अभी शायद आप लोगों को दिखाई दे ना दिए, चलता हुआ, वैसे मैं चला चुका हूँ इसको एक बार,
और जो इसके कीपैड हैं ये लाइट इन्होंने दी हुई है इसके अंदर। आप किसी भी तरीके से ग्रीन ब्लू रेड जैसी आप चाहते हो उस तरीके की लाइट आप यहाँ पे कर सकते हो सेट। तो अभी मेन मैं चीज़ें आप लोगों को बता देता हूँ कि ये कौन सा लैपटॉप है। ये i5 है हमारा 10th जनरेशन, i5 10th जनरेशन है हमारा ये, जिसके अंदर 16 GB की हमारी रैम लगी हुई है और 512 की हमारी SSD है जिसको हम बढ़ा सकते हैं, और जो रैम है हमारी रैम को भी हम बढ़ा सकते हैं, उसको भी 32 GB तक हम कर सकते हैं, और 4 GB का इसके अंदर ग्राफिक कार्ड है। बाकी तो देखो हर कोई लैपटॉप सेम ही होते हैं, मेन चीज़ें ये होती है कि जनरेशन कौन सी है, रैम क्या है, SSD है या कौन सी है आपकी, बस यही मेन चीज़ें होती हैं। बाकी तो डिस्प्ले वगैरह ये सब तो कंपनी के हिसाब से, बजट के हिसाब से चीज़ें चेंज होती रहती हैं। तो उसी हिसाब से मैंने ये लैपटॉप लिया है। जो चीज़ें हैं मैंने आप लोगों को बता दी है यहाँ पे, इसके अलावा तो इसके अंदर कुछ नहीं है। एक बार फिर भी आप इसकी लुक देख सकते हो ये किस टाइप का दिखता है हमें, ये कुछ इस टाइप का है। ड्यूल फैन है, कूलिंग फैन, बाकी कुछ तामझाम नहीं दिया हुआ फालतू का इन्होंने। तो दोस्तों आप लोगों ने देख ही लिया है कि किस तरीका का ये लैपटॉप हमारा दिखाई देता है और कैसी मतलब किस टाइप का ये है। तो सारी चीज़ें मैंने आप लोगों को जो होती हैं मेन वो चीज़ें मैंने आप लोगों को बता दी हैं। अब कमेंट करके बताना कि ये लैपटॉप आप लोगों को कैसा लगा है। वैसे सच बताऊं तो मुझे कोई ज़्यादा फ़र्क नहीं लगा अपने जो दूसरे लैपटॉप है, ये वाला लैपटॉप है, मुझे कोई ज़्यादा फ़र्क नहीं लगा। बल्कि मेरे को कलर भी इसके थोड़े से हल्के लगे, जो कि हमारी एडिटिंग के लिए बहुत अच्छे, जो अच्छी चीज़ होती है हमारी एडिटिंग के लिए वो होते हैं कलर। और वो कलर ही अगर जो अच्छे ना हो तो भाई वो मज़े वाली बात नहीं रहती। बाकी मैं ये नहीं कहता लैपटॉप अच्छा नहीं है, लैपटॉप बहुत अच्छा है, लेकिन मुझे जो परेशानी आई है कलर को लेके थोड़ी सी आई है कि इसमें कलर जो है वो थोड़े से लाइट समझ लो कि हम कलर को जो जैसे सेट करते हैं उस तरीके से हम इसको सेट नहीं कर सकते। बाकी हाँ काफ़ी सारे भाई ये बोलेंगे कि हाँ इसकी आप सेटिंग कर सकते हो, ग्राफिक में जाके आप कलर को सेट कर सकते हो। वहाँ से भी मैंने थोड़ा सा ट्राई करके देखा, अगर जो मैं वहाँ से कलर सेट करता हूँ तो हम जो लैपटॉप में अलग चीज़ें देखते हैं, जैसे फ़ोटोज़ वगैरह देखते हैं, मूवीज़ वगैरह देखते हैं, तो उनके कलर थोड़े से डार्क हो जाते हैं फिर वहाँ पर, तो वो हमें अच्छे तरीके से नहीं दिखाई देती। तो इसीलिए मेरे को थोड़ा सा ये लग रहा है कि हाँ भाई थोड़ा सा, मेरे को ज़्यादा भी नहीं है, हल्का सा है कि हो जाएगा बट काम इसके ऊपर। तो दोस्तों बताना मेरे को कमेंट करके कि आप लोगों को ये लैपटॉप कैसा लगा। ये अगर जो मैंने लिया है तो ठीक लिया है, अगर लिया तो गलत लिया, ये आप लोगों को बताना पड़ेगा कि ये सही है या गलत है अपनी वीडियो एडिटिंग के लिए। वैसे तो मैं वीडियो एडिटिंग करता नहीं हूँ, बहुत कम चांसेस होते हैं, बट फिर भी मैं इसके ऊपर ट्राई करके देखूँगा कि हम वो काम कर सकते हैं या नहीं कर सकते। तो उम्मीद है दोस्तों आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हुई, अच्छी लगे तो लाइक करना, बुरी लगे तो डिसलाइक करना। जो मेरे नए भाई हैं मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तब तक के लिए आप लोगों से अलविदा लेता हूँ, बाय बाय।